क्या लाल किला बिक गया है या उसे किसी डालमिया कंपनी ने 25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, इन सारी बातों पर आज हमारे साथ रवि यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ हम बहस करेंगे इन सारे मुद्दों पर कि असल में ये घटनाक्रम है क्या, और साथ ही साथ इस घटनाक्रम को लेकर आपके मन में जितने सवाल हैं उन पर आज खुलकर बहस होगी। तो रवि हमारे साथ हैं और हम खुलकर बहस करेंगे इस घटनाक्रम के बारे में कि असल में ये है क्या। रवि, हाँ जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आखिर में ये लाल किला है क्या। लाल किला, जैसे कि सब लोग जानते हैं, ये दिल्ली के अंदर बहुत पुरानी इमारत है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने सबसे पहले यहीं पे शपथ ली थी, और हर साल 15 अगस्त पे जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे झंडा भी फहराते हैं। तो फिर तो रवि ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसी इमारत के बारे में ऐसी बातें करें तो इस पे तो बहस बनती है। रवि, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि लाल किले को बेच दिया गया है 25 करोड़ रुपए में, और कई लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल सही हुआ है, और कई लोगों का कहना है कि इतिहास में सबसे गलत कदम है ये बीजेपी सरकार का। देखो आयुष, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि लाल किला किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। लाल किला हमारे देश का एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिसे सरकार कभी बेच नहीं सकती, तो ये बेचने वाली बात तो सरासर गलत है। हुआ असल में ये है कि डालमिया जो कंपनी है उसके बीच में और भारत सरकार के बीच में एक MOU साइन हुआ है, और इस MOU के अंदर ये लिखा गया है कि अगले 5 साल तक डालमिया कंपनी इस बिल्डिंग, जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका रखरखाव करेगी, इसका देखरेख करेगी। तो हुआ ये था कि 27 सितंबर को आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, और 27 सितंबर 2017 को देश के राष्ट्रपति ने एक घोषणा की जिसमें ये बताया, उसमें उन्होंने एक मुहिम चालू की जिसका नाम था अडॉप्ट अ हेरिटेज, जिसका मतलब ये था कि आप किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को अडॉप्ट कर सकते। और 9 अप्रैल को डालमिया कंपनी और भारत सरकार के बीच में एक MOU साइन हुआ जिसमें ये लिखा था कि अगले 5 साल तक डालमिया कंपनी लाल किले की देखरेख करेगी, उसको सजारेगी, संवारेगी, उसका मेंटेनेंस देखेगी। तो टेक्निकली रवि, आप ये कह रहे हैं कि इसे बेचा नहीं गया है, ठीक है, इसे डालमिया कंपनी ने 5 साल के लिए गोद लिया है। जी हाँ, जिसकी ये देखरेख करेंगे, 5 साल तक सजाएंगे, संवारेंगे, साफ सफाई वगैरह, ये सब चीज़, ठीक है। तो ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं। आप हमें ये बताएं कि डालमिया ग्रुप को इसे गोद लेने से क्या फायदा है, हमें सिर्फ इतना सा एक छोटा सा डाउट क्लियर है। देखिए, फ़ायदा की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से फ़ायदा उन्हें कुछ भी नहीं है। उन्हें ये करना पड़ रहा है क्योंकि जो कंपनी होती है, एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी को आपको चलाने के लिए कंपनी के जो एक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चलाना पड़ता है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो, जो हमारे भारत सरकार ने बनाए हुए हैं। तो उस एक्ट के अंदर भारत सरकार ने एक चीज़ ये लिखी है जिसका नाम है CSR, जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर हो रखा है वर्ड, CSR काफ़ी जगह सुन रहा हूँ। तो हमें ये भी बताइए कि ये CSR क्या चीज़ है। CSR का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो उसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी भारत में अपना प्रोडक्ट बना रही है और बेच रही है तो उस पर मुनाफा कमा रही है। मुनाफा किससे कमा रही है? वहाँ के लोगों से। तो भारत सरकार ने एक डाला कि आप हमारे लोगों से पैसा कमाते हो तो उनके लिए आपके मुनाफे में से कुछ आप उनके लिए करो, ऐसे सोशल वर्क कह सकते हैं उसको। तो इस सोशल वर्क के अंदर कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और इसके अंदर ये भी आता है कि आप किसी हेरिटेज को अडॉप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्होंने लाल किले को गोद लिया है, और 25 करोड़ रुपए की बातें आ रही है कि 25 करोड़ रुपए इस पे खर्च होगा। हाँ, ये भी बताइए कि ये 25 करोड़ क्या है। लोगों का कहना है, जो बातें आ रही हैं, कि 25 करोड़ रुपए में इसे बेच दिया गया है। देखिए, 25 करोड़ की बातें जो आ रही हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई कंपनी है, उसका मान लीजिए कि हर कंपनी जो है वो 3 साल के अंदर
सरकार को बताती है कि मुझे 3 साल में इतना मुनाफा हुआ, इनका क्वार्टरली चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को, जैसे डालमिया का मान लेते हैं, इसको 1 साल में 1000 रुपये का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, और दूसरे साल में उसे हुआ है 2000 रुपये का मुनाफा, और तीसरे साल में मुनाफा बढ़ गया 3000 रुपये का हो गया, तो 3 साल में 6000 रुपये हो गया। 6000 रुपये का जब वो सरकार को बताएगी तो सरकार उसका एवरेज निकालती है, तो एवरेज निकलता है 2000 रुपये 1 साल का। अब जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप, आपके मुनाफे का 2% CSR में लगाएंगे, ठीक है, तो 2000 रुपये का अगर आप 2% निकालो तो 40 रुपये होता है। डालमिया ग्रुप का काफ़ी होगा, उन्होंने एक एवरेज निकाला है कि मेरा 25 करोड़ रुपये का 5 साल का मुनाफा है। 5 करोड़ रुपये की बात हुई थी, उन्होंने ऐसे, सरकार ने पूछा था कि आप कितना पैसा लगाएंगे नॉर्मल वे में, तो उन्होंने लगाया था कि 5 करोड़ साल का, तो ये 25 करोड़ की बात वहाँ से निकली कि 5 करोड़ साल का, तो 25 करोड़ 5 साल के हुए, तो ये बात है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, असल में लाल किला बेचा नहीं गया है कोई 25 करोड़ रुपए में, उसे सिर्फ देखरेख के लिए डालमिया कंपनी ने, जो आपने हमें बताया, क्या बताया आपने, CSR के तहत उसे कंपनी ने गोद लिया। अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि ये कंपनी इसका रख रखाव कैसे करेगी, मीन्स अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन ये कंपनी उस पर करती है लाल किले के अंदर, और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उसकी बिल्डिंगों को अगर कोई क्षति पहुंच जाती है, अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो, जो MOU मैंने बताया साइन हुआ है भारत सरकार और डालमिया के बीच में, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो डालमिया कंपनी है ये 3 काम करेगी। पहला काम इसका होगा साफ सफाई का, ठीक है, जो कि क्लीन करेगी पूरे हमारी बिल्डिंग को। दूसरा काम होगा जन सुविधाओं का, टॉयलेट बनाना, वॉशरूम बनाना, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और तीसरा जो काम है वो है आने जाने की सुविधा करना लोगों के लिए, जो वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, ये सब, ये 3 काम के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। अब आपने ये पूछा कि काम करेगी कैसे, तो ये काम जो ये करेगी ये अकेली नहीं कर सकती, इसके लिए जो मॉन्यूमेंट कमेटी है उसका मेंबर होगा एक, दूसरा मेंबर होगा ASI का आर्कियोलॉजिस्ट। ASI बता दें, ASI वह संस्था है जिसके पास लाल किला अब तक था, अब तक जो देख रेख कर रहा था लाल किले का वो ASI है। और लाल किला क्या, जितने भी भारत में मॉन्यूमेंट हैं, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उन सब का देख रेख रख रखाव ASI ही करता है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा अपना मॉन्यूमेंट कमेटी का मेंबर, दूसरा हो जाएगा ASI का आर्कियोलॉजिस्ट, तीसरा एक डालमिया कंपनी का मेंबर होगा, और चौथा जो होगा वो एक कंसल्टेंट होगा। तो इन 4-5 लोगों की टीम बैठेगी और ये डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मानिए कि अभी जैसे जो पार्किंग है लाल किले की, वहाँ से आपको गेट तक जाना है, तो उसके लिए कोई, जैसे अगर कोई हैंडीकैप आदमी आ जाता है, हैंडीकैप कोई है जो चल नहीं सकता, तो उसके लिए अभी कोई सुविधा वहाँ पे है नहीं कि उसको कैसे वहाँ तक लेके जाया जाए। तो अगर मान लीजिए कि उन्हें एक रैंप बनानी है जहाँ पे बैटरी वाली रिक्शा चलानी है लोगों को लाने ले जाने के लिए, तो डालमिया ग्रुप ने सोचा और वो रैंप बना दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए ये 5 लोग बैठ के पहले बात करेंगे, उसके बाद भारत सरकार पे ये प्रावधान जाएगा, ये जाएगा कि है ना हमें ये काम करना है, उसके बाद भारत सरकार इसको अप्रूव करेगा। अगर वो अप्रूव करता है तो डालमिया कंपनी उसको आगे एग्जीक्यूट कर सकती है प्लान को, वरना वो नहीं होगा। मींस आप ये कहना चाहते हैं कि डालमिया कंपनी अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती है इस पे, तो वो पहले सेंट्रल से परमिशन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद ही उसको आगे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने जैसा कि हमें ये सारा कुछ कहा कि CSR के तहत ये कंपनी ने इसे गोद लिया है 5 साल तक के लिए, और उसका मेंटेनेंस इस कंपनी के थ्रू रहेगा, वो सारी कुछ इसमें काम होंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं आपकी मान लेता हूँ, समझ में भी आ गई है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि डालमिया ग्रुप को इससे क्या फ़ायदा है? आप भी जानते हैं रवि कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा अगर वो कोई काम कर रही है तो हाँ, वो पैसे क्यों खर्च करेगी, क्यों खर्च करेगी पैसे? ये मैं बता दूँ, देखो एक पहली चीज़ तो मैं बता चुका हूँ कि पैसा तो उन्हें खर्च करना ही है CSR के अंतर्गत, ठीक है, जो कि एक कंपनी है, ठीक है। अब वो इस चीज़ को क्यों, इस चीज़ में क्यों CSR का पैसा खर्च कर रहे हैं, वो मैं बता दूँ कि जो MOU साइन हुआ है उसके अंदर ये लिखा गया है कि लाल किले के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है,
एग्जांपल देके बताऊं तो अंदर जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो मैप्स वहाँ पे बिकते हैं, तो उन सब पे शायद डालमिया का नाम मेंशन हो जाए। और अगर दूसरी चीज़ मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो एक बाहर बोर्ड लगा होता है उस पर शायद, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, उस पर शायद लिखा आ जाए कि मेंटेन बाय डालमिया ग्रुप। तो मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि डालमिया ग्रुप को एडवर्टाइजमेंट, अपनी कंपनी का प्रचार करने का मौका इसमें मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि लाल किले पे एक दिन में 2 लाख लोग आते हैं, तो एक दिन में अगर 2 लाख लोगों ने डालमिया का नाम पढ़ा है तो कंपनी को तो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। तो मीन्स इसका कहना, आपका कहने का मतलब ये है कि कंपनी को इससे प्रचार मिलेगा। देखो, कोई भी कंपनी, और इतनी बड़ी कंपनी जिसमें इतने लोग बैठे हैं जो डिस्कशन करते हैं हर चीज़ों का, तो वो इतना पैसा कुछ सोच समझ के ही खर्च करेगा। ऐसी बात है। अब हमारे लोगों के मन में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज तक तो लाल किले के अंदर जब जाते हैं हम, तो जो टिकट का पैसा है वो भारत सरकार के पास जाता है। अब ये पैसा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? जो हम टिकट खरीदते हैं एंट्री का, वो पैसा कहाँ जाएगा? देखो, जो टिकट का जो पैसा आता है वो शायद आप अगर इंडिया के नागरिक हो तो 35 रुपये शायद एक जने की टिकट है वहाँ पे, तो वो पैसा जो अभी ASI के पास जाता है जो कि इसका देख रेख करती है, ठीक है। तो अभी मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि टिकट का पैसा कहाँ जाएगा, लेकिन एक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ या फिर सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है लाल किले के अंदर, जैसे 15 अगस्त से पहले कोई फंक्शन हो गया या फिर कोई कवि सम्मेलन हो गया, तो ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर जो एंट्री फीस चार्ज की जाती है, वो एंट्री फीस जो होगी वो डालमिया और ASI दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें 50 रुपये एंट्री फीस रखनी है कि 70 रुपये रखनी है कि 100 रुपये रखनी है। और ये जो जितना भी कलेक्शन होगा उस एंट्री फीस से, ठीक है, वो कलेक्शन एक नया बैंक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें डाला जाएगा। अब इस बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा आएगा वो न तो ASI इस्तेमाल कर सकती है और न डालमिया। वो जो अकाउंट का जो पैसा है वो सारा पैसा वापस से इस्तेमाल कहाँ होगा? लाल किले के मेंटेनेंस। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सारा जो हुआ, ये आखिर डिसीजन किसका है? देखिए, डिसीजन तो नहीं, एक मुहिम है ये मोदी सरकार की तरफ से, और मोदी सरकार के ने इसे एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इसका जो जिक्र हुआ था, जैसे मैंने बताया CSR के अंदर जो काम आने चाहिए इसकी एक लिस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करो और बता दो मैंने तो CSR में ये काम किया, ऐसा नहीं, इसकी एक लिस्ट है कि ये काम ही CSR के अंदर आएंगे। तो एक PIB मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी 2014 में, जिसमें जाहिर है उस समय कांग्रेस का राज था और जो उसके कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय सचिन पायलट हुआ करते थे, जो अभी राजस्थान में अध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कंपनी एक्ट का जो CSR वाला जो पॉइंट था उसमें थोड़े से चेंजेस किए थे, और उन्होंने ये लिखा था उसमें कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस को अगर आप सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, तो वो CSR के अंतर्गत आएगा। तो ये डिसीजन वहाँ से चालू हुआ था, लेकिन अभी जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो मोदी सरकार के अंदर हो रहा है। तो ठीक है, काफ़ी सारे सवाल हुए, रवि ने हमें हर सवाल का जवाब दिया, तो इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि इसे बेचा नहीं गया है, ये जो 25 करोड़ में बेच दिया गया है या जो भी अफवाहें सोशल मीडिया पर इन दिनों आ रही हैं, ये सब गलत हैं। हमारे वीडियो में ये चीज़ हमने स्पष्ट करी। तो गाइज, वीडियो पसंद आया तो लोगों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल सके कि असलियत क्या है, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, ठोक दो। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं आपसे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।